नमस्कार, मैं मनीष मिस्त्री। स्वागत है आपका मनीष मिस्त्री चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप पार्ट थ्री। दोस्तों, सबसे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आपने मेरा इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखा है तो बिल्कुल देख लीजिए। और यदि आपका मैथ बहुत कमज़ोर है तो आपको इंट्रोडक्शन क्लास बिल्कुल देख लेना चाहिए। और उसके बाद पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर, इस तरह से आप वीडियो को देखिएगा, क्योंकि पहले मैंने क्वेश्चन का लेवल ईजी रखा है और उसके बाद धीरे धीरे मैंने क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया है। तो इसीलिए आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्लास देखना चाहिए और उसके बाद पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, इस तरह से वीडियो को देखना चाहिए। चलिए अब हम प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न कहता है कि ए और बी संयुक्त रूप से किसी व्यापार में 5:6 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं। 8 महीने के बाद ए अपनी पूंजी व्यापार से निकाल लेता है। यदि दोनों को 5:9 के अनुपात में लाभ मिलता है तो बताएं कि बी की पूंजी कितने समय के लिए व्यापार में लगाई गई है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि ए और बी संयुक्त रूप से किसी व्यापार में 5:6 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं। 8 महीने के बाद ए अपनी पूंजी व्यापार से निकाल लेता है। यदि दोनों को 5:9 के अनुपात में लाभ मिलता है तो बताएं कि बी की पूंजी कितने समय के लिए व्यापार में लगाई गई है। सबसे पहले हम पूंजी देखेंगे कि ए कितना लगाया है और बी कितना लगाया है। तो ए की पूंजी जो है वह 5 है और बी की पूंजी आपको 6 रुपया, यानी ए की पूंजी 5 रुपया तो बी की पूंजी 6 रुपया। फिर कह रहा है कि 8 महीने के बाद ए अपनी पूंजी व्यापार से निकाल लेता है। तो ए जो है 8 महीना तक अपनी पूंजी रखता है, 8 महीने के बाद पूंजी निकालता है। तो 8 महीना तक तो पूंजी रखता है ना अपना, 8 महीना तक तो व्यापार में पूंजी रखता है। तो यानी कि जो ए का समय है वह 8 महीना है। ए का समय कितना है? 8 महीना। उसके बाद कह रहा है कि यदि दोनों को 5:9 के अनुपात में लाभ मिलता है, तो देखिए दोनों को, यानी अनुपात 5 जो है ए का लाभ है, अनुपात 9 जो है वो बी का लाभ है। तो यानी हमको पूंजी और लाभ पता है और ए का समय पता है। तो फॉर्मूला मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था निकालने के लिए कि सी ए गुने टी ए बट्टा सी बी गुने टी बी बराबर पी ए बट्टा पी बी। और इसका सबका वैल्यू बैठा दीजिए। तो ए का जो पूंजी है वो 5 है और बी का जो पूंजी है वो 6 है। बी का जो पूंजी है वो 6 है। इसी तरह से जो ए का समय है वो 8 है और बी का जो समय है वो निकालना है हमको। ए का जो लाभ है 5 है और बी का जो लाभ है वो 9 है। तो आप इसको कटा दीजिए, 5 से 5 कट गया ऊपर ऊपर, और यहाँ 2 3 6, यहाँ 3 3 9 कट गया, और यहाँ से आपको 2 से 8 कट गया 4 बार में, यानी कि 3 और 4 को गुना कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आपको आ जाएगा टी बी इक्वल टू 12 मंथ। यानी कि जो बी का समय है, यही तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि बी पूंजी कितने समय के लिए व्यापार में लगाए। तो बी जो है पूंजी 12 महीने के लिए व्यापार में लगाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है कि ए और बी क्रमशः 12,000 16,000 रुपया की पूंजी निवेश करके एक व्यापार आरंभ करते हैं। 8 महीने बाद 15,000 रुपया की पूंजी के साथ सी इस व्यापार में शामिल हो जाता है। अगर 2 साल के बाद कुल लाभ 45,600 रुपया हो तो सी को कितना लाभांश प्राप्त होगा? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि ए और बी क्रमशः 12,000 और 16,000 रुपये की पूंजी निवेश करके एक व्यापार आरंभ करते हैं। 8 महीने के बाद 15,000 रुपये पूंजी के साथ सी इसी व्यापार में शामिल हो जाता है। अगर 2 साल के बाद कुल लाभ 45,600 रुपया हो तो सी का लाभांश कितना होगा? सबसे पहले ए का 12,000, बी का 16,000 और सी का 15,000 हमने लिख दिया, जो कि उनकी पूंजी है। तो पूंजी हमने लिख दिया। अब तीनों 0,000 जो होगा वह कैंसिल हो जाएगा। 12,000 का 3 जीरो कैंसिल, 16,000 का 3 जीरो कैंसिल और 15,000 का 3 जीरो कैंसिल। तो 12, 16 और 15 का अनुपात आ गया। अब मैंने आपको बताया है कि यदि 3 और उससे अधिक व्यक्ति होंगे तो उनका जो निकालना होगा लाभ, उसके लिए पूंजी जो लाभ का रेशियो होगा वह पूंजी गुने समय के रेशियो के बराबर होगा। मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में ये चीज़ बताया है। तो देखिए, पूंजी जो है 12 है और 24 महीने के लिए लगाया था, तो गुना 24। उसी तरह से आपको पूंजी जो है बी का 16 है और ये भी 24 महीने के लिए लगाया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे 24 गुना। उसके बाद सी का जो पूंजी है 15,000 था, तो यहाँ 15 हमने लिख दिया अनुपात। और उसके बाद यह 16 महीने के लगाया हुआ है। 16 महीना कैसे आया? तो देखिए यहाँ कह रहा है कि 8 महीना के बाद 15,000 पूंजी के साथ सी व्यापार में आया है। 8 महीना के बाद ना आया है जी? अरे 24 महीना में 8 महीना के बाद, माने 8 महीना तक तो नहीं आया ना, तो इसीलिए 24 महीना में वह 16 महीना में आया है। ठीक है,
24 में 8 घटाएगा तो 16 महीना, ऐसे ले 15,000 पूंजी लगाया वो आपको 16 महीने के लिए लगाया। तो इस तरह से आपका लाभ का रेशियो निकल गया। तो इस सबको कटा दीजिएगा तो अनुपात 6 अनुपात 8 अनुपात 5 आ गया। अब अनुपात 6 अनुपात 8 अनुपात 5 को जब जोड़िएगा तो अनुपात 19 के बराबर होगा, यानी 8 6 14 5 19, जो कि रियल वैल्यू 45,600 के बराबर है, जो कि आपको प्रश्न में लिखा है कि कुल लाभ 45,600 रुपया है। यानी अनुपात 19 जो है 45,600 रुपया रियल वैल्यू के बराबर। तो अनुपात 1 का मान निकाल लीजिए 45,600 बटा 19, तो 19 से 45,600 2400 में कट जाएगा, यानी अनुपात 1 का मान 2400 आया। अनुपात 1 का मान कितना आया? 2400। तो अब आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है कि सी कितना लाभांश प्राप्त किया। तो सी का लाभांश अनुपात है अनुपात 5, तो यानी 1 अनुपात का मान हमको 2400 पता है, तो अनुपात 5 का मान अनुपात 5 में 2400 से गुना कर दीजिएगा तो 12,000, यानी सी का जो लाभ होगा वो कितना होगा? 12,000 रुपया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ए तथा बी ने मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया तथा 4:5 के अनुपात में धन लगाए। 3 महीने के बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग तथा बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया। व्यापार आरंभ करने के 10 माह बाद 3800 रुपया का लाभ में से बी को कितना लाभ मिलेगा? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि ए तथा बी ने मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया तथा 4:5 के अनुपात में धन लगाए। 3 महीने के बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग तथा बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया। व्यापार आरंभ करने के 10 माह बाद 3800 रुपया के लाभ में से बी को कितना लाभ मिलेगा? तो सबसे पहले देखिए कि हम ये देखेंगे कि ए और बी ने पूंजी कितना व्यापार में लगाया था। तो ए ने अनुपात 4 पूंजी लगाया था और बी ने अनुपात 5 पूंजी लगाया था। यानी ए का आपको 4 था और बी का 5, तो 4:5 हमने कर दिया। अब कह रहा है कि 3 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग तथा बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया। देखिए, सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा कि जो पूरा पूंजी था ए का वो 4 था, अनुपात 4 था। तो कितना महीना के बाद? तो 3 महीना के बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग निकाला है। 3 महीना तक पूरा पूंजी वो रखा है, 3 महीना तक पूरा पूंजी रखा है, यानी 4 जो पूरा पूंजी है, या अनुपात 4 जो पूरा पूंजी है वो आपको 3 महीना तक रखा है। तो इसीलिए 4 × 3, ठीक। क्यों? क्योंकि जो पूंजी और समय का गुणनफल होता है वह लाभ होता है, ठीक है। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया है। अब यहाँ पे देखिए, 5 सबसे 5 जो है वो पूरा पूंजी है बी का, और वो भी 3 महीना तक अपना रखा है, 3 महीना तक पूरा पूंजी रखा है, 3 महीने के बाद जो है 1/5 भाग वापस लिया है। तो इसीलिए 5 × 3, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग निकाल लिया 3 महीना के बाद। 3 महीना के बाद यानी कि टोटल पूंजी जो था वो 4 था, उसका 1/4 मतलब 1/4 निकाल लिया, तो बचा कितना? 3/4। अरे 1/4 निकाल लिया तो आपको इसमें से घटा दीजिए 4 को, एक में से घटा दीजिए तो कितना बचेगा? 3/4 ही ना बचेगा। यानी कहने का मतलब कि 4 भाग में से 1 भाग निकाल लिया तो 3 भाग बचा ना जी 4 में से, तो यही बात है। तो 3/4 भाग बच गया। अब ई जो पूंजी है अगला 7 महीना के लिए लगाया गया। अरे 3 महीना के बाद तो निकाल लिया उस पूंजी में से 1/4 भाग, तो 3/4 भाग तो 7 महीना के लिए लगाएगा। क्यों? क्योंकि 10 महीना तक व्यापार हुआ है टोटल, ठीक है। तो 10 महीना तक 7 महीना के लगाया तो गुना 7। इसी तरह से इसमें हो गया बी में कि बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया, तो यानी कि 4/5 भाग बच गया। तो 4/5 भाग जो है वह पूरा पूंजी का 4/5 भाग बचा। आ अब उस 7 महीना के लिए पूंजी लगा रहा है, ठीक। तो गुना 7 कर दिया हमने। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 4 से 4 कट गया आपका, 70 21 हो गया, आई 4 3 12 हो गया। इसी तरह से 5 3 15 हो गया, आई 5 से 5 कट गया तो 7 4 28 हो गया। यानी 12 21 को जोड़िएगा तो 33 हो गया, 15 28 को जोड़िएगा तो 43 हो गया। तब आपको दे रहा है प्रश्न में कि 10 माह के बाद 3800 रुपया का लाभ में से बी को कितना लाभ मिलेगा। यानी टोटल लाभ आपको जो है, ये टोटल लाभ है का ना आपको रेशियो आया, तो लाभ का रेशियो यहाँ दिया हुआ है 33:43। और कह रहा है कि 3800 रुपया टोटल लाभ में से बी को कितना लाभ मिलेगा। तो 3800 टोटल लाभ है, यानी रेशियो जो आपका अनुपात आया 33:43, ये लाभ का रेशियो है। तो टोटल जोड़ के लाइएगा तो अनुपात 76 आएगा।
और वो जो है रियल वैल्यू 3800 के बराबर है। तो अनुपात एक का मान कितना हो जाएगा, अनुपात एक का मान 3800 बटा 76, यानी 76 से 3800 काटिएगा तो 50, यानी अनुपात एक का मान 50। तो अब जब अनुपात एक का मान 50 है तो आपको निकालना किसका है, बी का कितना लाभ है। तो बी का आपको दिया हुआ है रेशियो अनुपात 33, अनुपात 43, अनुपात 43 दिया है ना, तो यानी 50, अनुपात एक का मान जब हमको 50 मालूम है तो अनुपात 43 का मान निकालने के लिए 50 को 43 से गुना कर दीजिए, 43 गुने 50 यानी 2550 रुपया हुआ। तो इस तरह से बी का लाभ 2550। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और मैं आपसे निवेदन ज़रूर करूँगा कि आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्लास ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आपका मैथ कमज़ोर है तो आपको ये देखना ही चाहिए। और मैंने और भी प्लेलिस्ट्स में मैथ बनाए हैं, जैसे कि रेशियो आपका परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, तो आप वहाँ पे मेरे सारे 15 मैथ्स के प्लेलिस्ट बनाए, यानी 15 मैथ के प्लेलिस्ट मैंने बनाए हुए हैं, वहाँ से आप जा करके मैथ देख सकते हैं। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।